हेलो हेलो रामवीर। हाँ भाई, कौन बोल रहा? तेरा बाप कमिश्नर बोल रहा है। जैन साहब, लगता है तेरा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। क्या हुआ साहब? तेरे इलाके में इतनी चोरियां हो रही है, कर क्या रहा है तू? सर, सरकार ने जंग लगी हुई बंदूक दे रखी है, इसे साफ कर रहा हूँ। जंग बंदूक में नहीं, तेरे शरीर में लग रहा है। रंगा और बिल्ला ने तेरे इलाके में इतना आतंक मचा रखा है। काली बिल्डिंग के पीछे उनका इलाका है, आज शाम तक वो अंदर होने चाहिए, वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। चल जल्दी। अरे उस्ताद, उस्ताद, अगर मुझे भी कभी हाथ साफ करने का मौका दो। मैंने आज तक चोरी नहीं करी, मैंने अभी धंधा स्टार्ट करा। उस्ताद तुम तो खिलाड़ी आदमी है, मुझे ही बताओ कुछ। तू चोरी करेगा, हाथ साफ करना है? हाँ। रुक जा बेटे, वो बंदा देख रहा है आज जिसकी गले में चैन है वो। हाँ बेटे, मेरे गला देख रहा है कैसा खाली है। बेटे उसकी चैन मेरे गले में होनी चाहिए। अरे उस्ताद अभी लाता हूँ उसकी चैन में निकाल। सुन ध्यान की, एक बार चैन पकड़ दी ना हाथ में, पीछे मुड़ के मत देखियो, सीधा ही आ जियो। ऐसा क्यों बेटा? अगर पकड़ लिया ना तो भूत बना देगा। ठीक है, मैं मुड़ के नहीं देखूं। पकड़ देगा शादी, आज ही, और पीछे मुड़ के मत देखियो। उस्ताद जैसे तुमने कहा वैसे ही करूंगा। बिल्कुल जा बेटा। ठीक है, फटाफट अभी आया। बिल्कुल दोस्तों, ले आ चैन लो। और ये जो बंदा लाया साथ में, साला रंगा बिल्ला, मुझे तुम्हारी तरह आती नहीं जनाब। साहब नहीं, साहब नहीं, साहब जनाब, मैं ऐसे नहीं जानता जनाब। साहब ये मेरा उस्ताद है। नहीं जनाब, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं ऐसे नहीं जानता। साहब ये मेरा उस्ताद है। साहब नहीं जनाब, मैं नहीं से जानता। क्या बोल रहा है? अबे अरे, क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था यार? अबे मेरा यार, नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ। उठ मत जाइए ऐसे, समझ नहीं बैठ रही हो? चल उस्ताद, तुम भी चूचा रह गए। अभी मरते मरते बचो, तब भी फोन में लग रहे हो। तेरी माँ की उस्ताद, माँ गाली मत दो, छह की छह तार। वाह बेटे, मैं यूँ कह रहा था, तेरी माँ की पेंशन नहीं आती, जो खर्चे चल जाए हमारे, इस फोन से निकलते हमारे सारे खर्चे। फोन से कैसे निकालते बताओ? बेटे मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरा दोस्त है, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वहाँ पे वो स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बताता है, कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम जीत सकें। तुझे अब कुछ नहीं आता, तू तो नया है। अब तू उसके चैनल पर जाइयो, उसकी वीडियो देख, वो डेली फ्री प्रोडक्शन डालता है, वीडियो डालता है कैसे कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कैसे जीतना है पैसा। तू तो जाएगा वीडियो देखेगा ना, पहली बार में पैसा जीत सकता है। पर उसके चैनल पर जाएगा ना तो वहाँ पे हमारे चैनल का नाम बता दियो कि कौन से चैनल से आया हूँ, ताकि उसको पता लग सके। और आपको भी पैसा कमाना है ना, तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाओ वीडियो देखो, कैसे सीखना है, कैसे जीतना है, जीतो पैसा और खूब सारा पैसा कमाओ। समझ गए बेटे? अरे सब तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे बेटे हेलो हेलो, रंगा बिल्ला बोले। हाँ रंगा बिल्ला बोल रहे हैं। एक काम था तुमसे, हो जाएगा ना? पहले दाम बाद में काम। दाम 25,000 तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिए, एक फोटो भेज रहा हूँ। हाँ? शाम तक बंदा उठ जाना चाहिए। बिल्कुल उठ जाएगा, शाम तक उठ जाएगा। शाम को तुम्हारा कॉल आएगा। ठीक है ठीक है, सब तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। तुम्हारे साथ रहकर डेली पिटना पड़ता, रही सही जत्ती वो भी खत्म हो गई मेरी तो। साले तेरी वजह से सारा खौफ खत्म हो गया मेरे एरिए से। और जो कोर्ट था ना, साले सारे खराब करवा दिया तूने मेरे। और तो मुझे पता है तुम्हारा कितना, कभी 150 रुपए चुराए नहीं तुमने। अरे बेटे कल ही नुक्कड़ का जो पनवाड़ी है ना, उससे 2 गोल्ड फ्लेक की डिब्बी चुराई है, 200 वाली, समझ गया? लेकिन उस्ताद एक बात बताऊं, तुम्हारा हाथ में सफाई नहीं है बिल्कुल भी। मैं साले 2 दिन के चोर, तू मुझे बताएगा कैसे चोरी करते हैं? साले मेरा दादा चोर, मेरा बाप चोर, और मैं भी चोर, साले खून में चोरी हमारे। उस्ताद तुम तो खानदानी करने लेने के लिए फिर। बेटे अब देख, मैं दिखाऊंगा तुझे अपने हाथ की सफाई, ध्यान से देखियो। पहले बंदे के अंदर बनाना पड़ता खौफ, तब खौफ बनेगा ना बंदे के अंदर, सारा माल ऑटोमेटिकली देगा। अब देखियो बेटे, हम तुम्हारे उस्ताद हैं, ध्यान से देखियो। यहीं रुक जा। क्या कह रहा है? मैं कच्चे को छोड़ के जितना माल है ना, सारा निकाल दे यहाँ पे। अजी मेरा घंटा खौफ बनेगा, मैं झुंझुने से मारा गोले तो मेरे पास है उस्ताद। अरे बहुत मारा उस्ताद साले ने। अरे उस्ताद ये तो वही है जिसकी फरोती हुई हमारे पास, देखो भाई ये तो वही बंदा है, पकड़ो उस्ताद साले को। बेटे जितना मानना था मान लिया, अब बंदूक भी है और बंदूक में गोली भी है। अब चल, यू आर किडनैप, चल हट साले को। अरे उस्ताद देखो तो सही क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? मुंह से बोल। पकड़ रखा है।
भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना तुम मुझे जानते हैं ना मैं तुम्हें जानता। तू हमें जानता हो या ना जानता हो पर हम तुझे जानते हैं। मुझे पकड़ कर तुम्हें मिलेगा क्या? 25,000। 25,000 मिलेंगे पूरे। तो अब मुंह बंद करियो, शाम से पहले तो यहाँ से निकलने वाला नहीं है कहीं पे भी। रंगा बिल्ला, मुझे पता तुम दोनों यही छुपे हो, भला इसी में तुम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ना 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 दरोगा जी, हम यहाँ नहीं छुपे। चुपचाप बाहर आ जाओ, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो देखो भाई, ये तो हमें धोखे से मानना चाह रही है। हम भी इसके बाप है उस्ताद। गोली दे फटाफट। क्या घंटा गोली? तू गोली तो सारी खत्म हो गई उस्ताद। गोली खत्म, सारी खत्म। मुझे पता तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो गई है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अरे ये घंटा हमारे पास तो बहुत सारी गोली पड़ी है, झूठ बोल रहा है। ओए 100 का नोट किसका पड़ा हुआ है? मेरा है, मेरा है। अरे दरोगा जी, मारी डालोगे क्या? बेटा रंगा बिल्ला, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत दिनों बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हो, दोनों को थाने में गिर के लठी लट बजाऊंगा। अरे दरोगा जी सुन तो लो। अरे सुनूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे देखो तो एक बार, मैं तो पहले ही बता रहा था वो दोनों वो जा रहे। क्या साले वो दोनों भग रहे थे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी देर से कह रहा था, सुनो सुनो दरोगा जी सुनो। सुनिए आपने? मैं मुंह से तो बोलता, मुंह से ही बोल रहा था, तुम कहां से सुन रहे थे? क्या हुआ दरोगा साहब, कहां गए ना चक्कर? और जनाब चले अब। रंगा बिल्ला तो गए गए, साले बुलेट भी ले गए, अब डर है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। रंगा बिल्ला